तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब। पिछले वीडियो में हमने देखा था मॉडल वर्ब का क्या मतलब यूजेस होता है, उसका यूज कहां कहां किया जाता है। हम अब सेपरेटली पूर्वक पढ़ने वाले हैं एक एक करके, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, जो भी है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस यूज ऑफ कैन मॉडल वर्ब। देखिए कैन का यूज हम लोग कहां करते हैं ये, ठीक है। तो देखिए कैन का सबसे पहला यूज करते कहां है, तो ध्यान दीजिएगा जहां हमारे पावर का बात हो, समझ गए। जैसे जहां पावर कोई दिखाता है, पावर दिखाता है ना जी, हम लोग भी दिखाते हैं कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब मुझ में ये पावर है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये आप में एबिलिटी है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ओके, कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये आप कहीं ना कहीं क्या बता रहे हैं, आप एबिलिटी को बता रहे हैं, ठीक है। एबिलिटी को हम लोग बताने के लिए, ठीक है, कैपेबिलिटी बोल सकते हैं, एबिलिटी बोल सकते हैं, कैपेसिटी बोल सकते हैं, आ रहा है बातें समझ में। तो ये सबके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे देख सकते हो एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। या यही क्वेश्चन ऐसे दे दे, ब्लैंक यू लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। अरे बातें समझ में ना, ही कैन अक्रॉस दिस रिवर, वहां भी ये कहीं ना कहीं पावर, कैपेबिलिटी, एबिलिटी का बात होता है। अरे बातें समझ में। दूसरा जो यूज है कैन का, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल समझते हैं ना, जैसे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कहने का मतलब है ना संभावना, लेकिन कैसा, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। देखिए होता है कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि एवरीवन, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, मेक मिस्टेक मतलब प्रत्येक क्या कर सकते हैं जी, मिस्टेक कर सकते हैं। आ रहा बातें समझ में ना। तो ऐसे में भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, ये भी हम जानते हैं, ये हमारा क्या है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, मतलब संभावना है जो थ्योरेटिकल है। आ रहा बात समझ में ना। तो ऐसे में हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम बोले कैन यू क्लाइंब दिस ट्री, तो ऐसे में भी हम लोग क्या यूज करते हैं जी, कैन का। आई कैन ऑपरेट दिस कंप्यूटर, ठीक है, मैं इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता हूं। अरे बातें समझ में ना। तो ऐसे में हम लोग क्या यूज करते हैं जी, कैन का, ठीक है। कैन का और भी यूज, जैसे हम लोग कह सकते हैं परमिशन लेने या देने, लेकिन देखिए परमिशन लेना होगा तो फ्रेंडली, जैसे हम लोग लेने के लिए, ठीक है ना, अगर परमिशन लेना है तो फ्रेंडली, बड़े से नहीं, जैसे फ्रेंड से बोल रहे आप, कैन आई कम इन माय फ्रेंड, ओके, फ्रेंड मतलब आप अपने बराबर या अपने से छोटे से, ठीक है ना, परमिशन लेने के लिए कैन का यूज कर सकते हैं। यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, कैन यू गिव योर स्कूटर प्लीज, या कैन यू गिव योर स्कूटर, ऐसे में हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर परमिशन लेने का बात हो, अगर बड़ों से जैसे टीचर से, तो हम लोग मे आई कम इन, आप भी जानते हो, ठीक है, वहां पर का यूज करते हैं मे का। अच्छा कैन इज इक्वल टू क्या होता है, एबल, अरे बात समझ में ना, एबल टू, इसलिए कैन और एबल का यूज हम लोग एक साथ नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ में, कैन और एबल का यूज हम लोग एक साथ नहीं कर सकते हैं, दोनों का यूज हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, क्योंकि दोनों का यूज अगर एक साथ करिएगा तो इट विल बी सुपर फ्लूस। तो ये कैन का यूज हुआ। आप क्वेश्चन को लीजिए और क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, आप कहीं से पढ़ो क्वेश्चन बनाइए, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक आप नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो। अब देखिए कुड, कुड, कुड का यूज कहां करते हैं जी, देखिए तो कुड का यूज हम सबसे पहले कैन के पास्ट, कैन के पास्ट में हम लोग करते हैं। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। जैसे हम बोले कि व्हेन आई वाज 15, ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश, देखो था, देखिए तो
आई कैन स्पीक इंग्लिश। देखो कितना इजी है, ये सब मॉडल वर्ब कुछ है नहीं, बस हम लोग इसको हार्ड मान लेते हैं, टफ मान लेते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि जब मैं 15 का था, मतलब 15 वर्ष का था, तो मैं अंग्रेजी बोल सकता था ना बाबू, बोल सकता था ना, तो कैन की जगह क्या यूज करेंगे, कुड का, क्योंकि भाई पास्ट का है ना, क्योंकि किसका है, पास्ट का है। ठीक है, इसमें भी हम लोग और भी यूज कर सकते हैं, जैसे नरेशन में कभी कभी देता है, जैसे he said that he could play cricket, okay? He could play cricket. तो यहां could करेंगे क्योंकि said है मतलब past, और past में हम लोग could का use करेंगे, यानी past के ability, power, capability को बताने के लिए can के place पर could का use करते हैं। ठीक है, दूसरा जो could का use हम लोग करते हैं, could का use जैसे permission लेने के लिए, could you give me your pen? ठीक है, polite request के लिए भी हम लोग could का use कर सकते, बात समझ में ना। तो ये हुआ आपका कैन और कुड। मतलब बुक्स देखिएगा तो जो बुकिश लैंग्वेज होता है ना, उसमें काफी मतलब बहुत सारे रूल्स दिया जाता है जो पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है बस यही सब रूल जो अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगर विश्वास है तो आप क्वेश्चन को भी बनाकर देख सकते हो, कहीं से क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। ठीक है ना, अगला देखिए, अगला हमारा होता है जैसे तीन यूजेस पढ़ रहे हैं, मे, मस्ट और माइट। ठीक है, तीनों का पहले यूज समझ लीजिए। देखिए इन तीनों का यूज जनरली अगर पॉसिबिलिटी में किया जाता है तो मे का यूज वहां करते हैं जहां पर पॉसिबिलिटी 50% हो, मस्ट का यूज जहां पर पॉसिबिलिटी आपका 90% और 95% हो, और माइट का यूज हम लोग पॉसिबिलिटीज अब 20-30% हो, पॉसिबिलिटी का बात हो रहा है। जैसे हम लोग ईट ब्लैंक रेन टूडे, रीजन नहीं दिया है, बस हम बता रहे हैं कि ईट रेन टूडे, तो ईट मे रेन टूडे, क्यों सर, क्योंकि वहां पर आपका कोई भी, ठीक है ना, रीजन नहीं दिया हुआ है, यानी ईट मे रेन टूडे। ठीक है, ही मे कम टूडे, मतलब फुल्ली आपका सेंटेंस दिया हुआ नहीं है, पॉसिबिलिटी सिर्फ 50% है। मस्ट का यूज जहां पर, जैसे हम बोले कि ही ब्लैंक बी रिच एज ही स्टेज 5-star hotel, 5-star hotels। देखो तो ही ब्लैंक बी रिच, वह रिच होगा क्योंकि वह 5-star hotel में रुकता है, तो भाई 5-star hotel में रुकता है तो पॉसिबिलिटी कितना है, बहुत ज्यादा है ना, कि वो क्या होगा जी, रिच होगा। तो ऐसे में आप किसका यूज करोगे, मस्ट का यूज करोगे। ठीक है, किसका यूज करोगे, मस्ट का। हम बोले द स्काई या द एटमोस्फेयर इज क्लियर, ईट ब्लैंक रेन टूडे, तो उसमें क्या यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे, एकदम आसमान क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, कोई भी मतलब बादल वादल नहीं है, तो वहां पर वर्षा जो होने का पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, तो ऐसे में आप क्या यूज करोगे, माइट का यूज करोगे। ठीक है, बट रीजन नहीं दिया हो, सिर्फ इतना दिया हो, देखो सिर्फ इतना दिया हो, ही ब्लैंक कम टूडे, ठीक है, इतना ही, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, मे का यूज, इट ब्लैंक रेन टूडे, रेन टूडे, तो ऐसे में क्या यूज करेंगे, तो यहां पर मे का यूज करेंगे। अरे बातें समझ में ना, जब तक रीजन नहीं, रीजन वाला हम बता ही दिए कि अगर रीजन दिया रहेगा पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। अरे बातें समझ में ना। ठीक है, और देखिए मे का यूज थोड़ा सा और भी है, मे के यूज से हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो सबसे पहले तो हम लोग पॉसिबिलिटी देख लिए, मे का जो दूसरा यूज है, समझिएगा मे का और बहुत सारा यूज है, ऐसा नहीं है कि इतना से मे हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, मे का यदि बात किया जाए तो सबसे पहले और मे के बारे में हम आपको बता दें, ऑप्टेटिव सेंटेंस आप जानते हो, ऑप्टेटिव, ठीक है, जिसमें ऑप्टेटिव में आप बोल सकते हो किसी भी, जैसे ब्लेस का बात हो, कर्स का बात हो, तो ऐसे में हम लोग मे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला ना बहुत ज्यादा, और इसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे ब्लेस का बात हो, ठीक है, कर्स आ जाए, ठीक है, यदि प्रे का बात हो, तो ऐसे में हम लोग क्या यूज करते हैं जी, क्या यूज करते हैं, मे का।
ठीक है ना, मे का। जैसे आप देखो, जैसे एग्जांपल ब्लैंक, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, तो यहां क्या यूज करेंगे, मे, मे गॉड ब्लेस यू, मे ही डाई सून, देख रहे हैं ना, मे ही डाई सून। तो ऐसे में भी हम लोग का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं जी, मे का यूज करते हैं, ठीक है। मे गॉड सेव द किंग, तो ऐसे में हम समझिए कि कोई भी ऐसा सेंटेंस ऑप्टेटिव वाला आएगा तो मे का यूज करते हैं। मे का अगला जो आपका यूज है कि मे का यूज हम लोग करते हैं जनरली यदि सेंटेंस में, ठीक है ना, देखिएगा परमिशन का बात हो, जैसे परमिशन के लिए, परमिशन लेने के लिए भी और देने के लिए, ठीक है ना, परमिशन के लिए, जैसे मे आई गो आउट, ठीक है, दूसरा मे आई कम इन, ओके। तो ऐसे में हम लोग क्या यूज करते हैं जी, मे का यूज करते हैं, या यू मे गो आउट, तो ऐसे में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, ठीक है ना। माइट का यूज वही, आपका पॉसिबिलिटी जहां कम होगा, और मे के पास्ट में माइट का यूज, अगर माइट भी देखे तो मे के पास्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं जी, माइट का यूज। जैसे मे के पास्ट कहने का है ना, जैसे देखिए हम बोले ही सेड दैट ही मे पास, मतलब जहां जहां मे आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे जी, माइट का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्या यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। आ रहा बात समझ में ना, तो बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, बहुत इजी है। और मस्ट का अगर यूज किया जाए, मस्ट का, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा मस्ट पर चलते हैं, तो बात यदि मस्ट का होगा ना तो थोड़ा सा इसको ज्यादा बेहतर से समझना है। सबसे पहले मस्ट का यूज तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मस्ट का यूज हम लोग करते हैं पॉसिबिलिटी जब ज्यादा होगा। मस्ट का एक और यूज करते हैं कहां जी, जहां पर, सुनिएगा, जहां पर कंपल्सन हो, जहां पर एकदम ऐसा काम करना जरूरी हो। जैसे देखिए हम बोले यू मस्ट वॉक लेफ्ट साइड ऑन द रोड, ओके, मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ये आपके लिए क्या है, मस्ट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, ओके, बिकॉज इट इज रेनिंग नाउ, ठीक है, अभी वर्षा हो रहा है, इसलिए आपको मस्ट कंपल्सन है कि आप क्या ले लो, छाता ले लो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, मस्ट का। या मॉरलिटी के लिए, मॉरलिटी के लिए जहां एकदम कंपल्सन हो मॉरलिटी, जैसे हम बोले यू मस्ट, ओके, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हालांकि इसमें शुड भी होता है, ऑट टू भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर क्या होता है, मस्ट का यूज होता है। अब आप समझ में, तो हम लोग इसमें पढ़े कैन, कूड, मस्ट में माइट, ठीक है, इतना आपके लिए बेटर है, इतना आपके लिए बेस्ट है, इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं आता है। आप हो सके तो क्वेश्चन भी बनाकर देख सकते हो, ठीक है। अब मस्ट के यूज, ये आपके सेंटेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि कहां कहां हम लोग यूज इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का जो भी है, जैसे सेल है, सुड है, ठीक है, आपका ऑट टू है, ये सभी का रूल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद।